Red Indies. Shuffle, shuffle. Red Indies. Shuffle. Shuffle chat. स्वागत आपका यहाँ पर। एक आर्टिस्ट जो अमेजिंग है आजकल धारावी से सीधा देहरादून पहुंच गए, नाम इनका एमसी बेन। व्हाट्स अप मेरे भाई, क्या हाल है? व्हाट्स अप, व्हाट्स अप, एक नंबर भाई, सब बढ़िया। क्या बोलते हैं पब्लिक, सब मेरा एक नंबर। अच्छा ब्रो, क्या चल रहा है? व्हाट्स अप विद द सॉन्ग धारावी से देहरादून, ये गाना कैसे बना, इसके बारे में थोड़ा बताओ यार। बेसिकली लॉकडाउन के समय में हम लोग सब बैठे थे अपने अपने घर, सब लोग बैठे थे जैसे कि, सो आई गॉट अ मैसेज फ्रॉम सार्थक, सार्थक बिजलवानी सर, रैपर एंड प्रोड्यूसर फ्रॉम देहरादून। सो ही सेड कि ब्रो मैं आपके साथ कुछ करना चाहता हूँ ना। सो आई वॉज लाइक कि चलो कुछ करते हैं, एंड ही प्रोड्यूस्ड अ ट्रैक फॉर मी कॉल्ड संगीत, जो मेरा गाना था, एंड द म्यूजिक वॉज डैम गुड। सो उसके बाद में फिर सार्थक ने बोला कि आई एम अ रैपर एज वेल, सो अपन कुछ करते हैं। सो ही प्रोड्यूस्ड अनदर ट्रैक। हम लोग वो गाने को प्लान करके रखे थे, एंड दिस इज द टाइम वी रिलीज्ड इट। गाने का नाम है धारावी से देहरादून, बस यही है सीन बोले तो। बेसिकली आप लोग ने साथ में शूट किया या फिर अलग अलग जगह पे शूट किया, शूट कैसे किया? शूट करते वक्त हम लोग ने बेसिकली ऐसा सीन रखा कि शूट का इसका प्लान हम लोग का लॉकडाउन में हो गया था। सो लॉकडाउन के वक्त ट्रैवलिंग उतना ईजी नहीं था, सो एंड देहरादून वॉज अ वेरी न्यू प्लेस फॉर अस, लाइक बॉम्बे के मतलब इंडिया के उस पार्ट पे नहीं गए अपन कभी। सो बॉम्बे से देहरादून एक्चुअली बहुत अमेजिंग जगह है। यस यस यस, तो मतलब मेरे लिए तो काफी नया जगह था। लाइफ के सारे सरदर्द, दुख, गम सारे खत्म हो गए। उधर इधर कैसे मालूम है, उधर अपने लिए कैसे माटूंगा, धारावी वाडाला, yes, और right. क्या बोलता है दादर है, तो उधर देहरादून, मसूरी, ऋषिकेश, सब आजू बाजू में एक नंबर, उधर का हुड वाला सीन मतलब बेसिकली एक नंबर। तो सो मेरा भी ये प्लान था ना, व्हेन सार्थक जस्ट पिच्ड मी ना कि ऐसे करना है, सो मेरा प्लान यही था गाने को लेकर कि एक कोलैबोरेशन ऐसा होना चाहिए ना, कि मुझे ऐसा लगता है कि मतलब इंडिया में बेसिकली हर आर्टिस्ट एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन करेंगे अगर अपन, सो उससे क्या होगा ना कि कम्युनिटी ग्रो होगा उससे। सो दैट वाज द रीजन कि मैंने ये गाने को हाँ बोला, मतलब कि करते हैं ऐसा कुछ। एंड वीडियो का फिर हम लोग ने प्लान किया कि लॉकडाउन की वजह से हम अपने अपने एरिया पे जितना उड़ूप में शूट कर सकते हैं अपनी पब्लिक के साथ, जितना चीजें अवेलेबल है, तो हम लोग उसी को रख के उसी में शूट करके निपटा लिए। डांसर्स भी मस्त है यार, डांसर्स दे आर लाइक क्रेजी डांसर्स, जो ऐसा हाथ वाथ से। हां, ही इज अ वेरी क्रेजी डांसर, उसका नाम रवि क्रेजी लेग्स है, उसका नाम ही क्रेजी है। सो ही इज अ वेरी हार्ड हार्ड, सब डांसर एक नंबर है उसमें, बहुत बिल्ले बिल्ले लोग है सब। वाओ, तुम ये बिल्ला बोल रहे हो, इसका मतलब समझाओगे हमको? सो बिल्ला का मतलब है, एक तो होता है कि लोग कहते हैं सरल हिंदी में, या कह सकते हैं कि बहुत कैट 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 जो बिल्ला बोलते हैं, बट हम लोग के भाषा में धारावी और मुंबई के स्लैंग वाले भाषा में बिल्ला बोले तो हार्डकोर। क्या बात है, सुपर कूल ऐसा। सो ये गाने के लाइन जिसमें बहुत सारी चीजें तुमने बोली है, मतलब 2016 और उसके बाद हिप हॉप में हिप हॉप को ये तुम्हारे लिए एज एन आर्टिस्ट क्या होता है, पहले कि आप पहले बीट सुनते हो उसके ऊपर लिखते हो, या फिर पहले लिखते हो उसके बाद बीट पे उसको बिठाते हो, कैसा होता है तुम्हारे लिए? यूनिवर्सली मुझे लगता है दो तरीके से चलता है ज्यादातर, एक पैटर्न के हिसाब से दो तरीके से लिखा जाता है गाना, विच इज लाइक फर्स्ट है कि एक आर्टिस्ट बीट सुनता है उस पर लिखता है, सेकंड है कि एक आर्टिस्ट लिखता है देन उस पर बीट बनाया जाता है ना। सो दिस टू पैटर्न्स पीपल फॉलो यूजुअली, बट आई डू थ्री पैटर्न्स, लाइक आई फॉलो थ्री, मैं तीनों करता हूँ, लाइक मैं बीट सुन के उस पर लिखता हूँ, कभी मैं पूरा गाना लिख दिया होता हूँ उस पर प्रोड्यूसर्स बैठ के प्रोड्यूस करते हैं हम लोग साथ में, एंड तीसरा एक होता है कि मैं बीट भी सुनता हूँ उसमें लिखता भी हुआ था, और फिर मैं खुद से एक नया फ्लो पैटर्न पूरा लिखता हूँ और फिर प्रोड्यूसर को उसका आधा पार्ट चेंज करवाता हूँ। सो दो वेरिएशन जैसा कुछ आता है, सो दिस आर द टाइप्स ऑफ थिंग वी डू। ओके, मैं एक वेरी ऑनेस्ट क्वेश्चन, जो आई थिंक जिसकी वजह से बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी हो गया था, अच्छा तो, वो क्वेश्चन मैं तुमको पूछना चाहता हूँ, क्या रैपर्स पैसा कमा पा रहे हैं? रैपर्स का तो पता नहीं, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग एमसी बेन ने तो बहुत इज्जत कमाया और रिश्ते कमाए प्रॉपरली बोलेंगे तो फिर धारावी में पब्लिक घर के बाहर खड़ी हो जाएगी, तो मैं सो इट्स बेटर टू जस्ट स्किप दिस क्वेश्चन। देन इट्स इम्पोर्टेंट दैट एवरीवन नोज़ टू देयर डू देयर हसल ब्रो, बिकॉज यू हैव बीन हसलिंग, मैं देखा है आपके हसल को, यू नो आप रुकते नहीं हो, इट इज इधर इफ इट्स अ मूवी, if it's a billboard holding, if it's a rap video, you know your hustle is on. So koi kisi ko pinpoint nahi karna chahiye ki bro
कि अगर एक रैपर है तो ये सब नहीं कर सकता. ऑफ कोर्स सो या मैन, सो अभी लेटेस्ट क्या मूवी, कौन सा क्या आने वाला होता है? अभी जस्ट रिसेंटली एक एडवर्टाइजमेंट का शूट हुआ है विच इज फॉर जोमेटो, सो आने वाला है बहुत जल्द टीवी. रैप अप किया गया? नहीं, उसमें एज एन एक्टर ही काम किया है. अरे पर मजेदार है, अच्छा कॉन्सेप्ट है. जोमेटो ने कुछ नया कॉन्सेप्ट लाया एक एड इंडस्ट्री में, कुछ तो अलग चीजें लेके आया है. सो वो आने वाला है बाहर, बहुत मजा आएगा. बाकी तो होल्डिंग चल रहा है मुंबई में, हर जगह पब्लिक का कॉल आ रहा है, मैसेज आ रहे हैं लोगों का कि भाई होल्डिंग लगे सब जगह बॉम्बे में, विच आई डिड फॉर एको इंडिया ना, एको कार इंश्योरेंस. सो बाकी तो बस ताजा खबर रिलीज हुआ इस साल, जैसे हर साल आपके पास जब भी आते हैं तो आप पूछते हैं ये साल कौन सा वेब सीरीज या मूवी आया, तो इस साल ताजा खबर आया भुवन भाई के साथ. खतरनाक. इट वॉज लाइक वेरी स्मॉल, एक दिन का शूट था उनके साथ मेरा, उनके साथ वाले शूट था, एंड इट वॉज अ वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस. लाइक आई वॉज शॉक्ड कि मैं शूट चल रहा था जब कैमरा लेंस वेंस चेंज हो रहा था, ब्रेक चल रहा था ना, सो लेंस वेंस चेंज हो रहा है, उतने में भुवन भाई आए मेरे पास और बोले अरे ब्रो, हाथ मिला ऐसे टाली मारा, तो मैंने हाथ मिलाया, बोला यस भाई, तो बोलने लगे कि तेरा नंबर मिल सकता है क्या? मैं बोला अरे भुवन भाई अपना नंबर क्यों मांग रहे? बोले बोला यार आई लाइक योर एक्टिंग, इतना ही बोला सीधा, तुरंत खाली थोड़ा ही काम किया हम लोग साथ में, और उनको इतना पसंद आ गया, बोले कि आई लाइक योर एक्टिंग और मैं चाहता हूँ कि ऐसे आगे वाली सीरीज में मेरे और अपन साथ में कुछ करें. सो आई वॉज वेरी हैप्पी. मैं बोला यस भाई हक से. तो मेरा मैनेजर मेरे साथ में था ईशांत, मैं बोला भाई नंबर जरा करो भाई का, तो फिर भाई के मैनेजर मेरे मैनेजर ने नंबर एक्सचेंज किया, सो वी आर इन टच. एंड उसके बाद में भाई को मैंने बोला कि हमारा रैपर एज वेल, सो ही वॉज वेरी शॉक. फिर उनको बताया इसकी मूवी, तो वो बोला अरे हाँ हाँ सुना हूँ मैंने लोगों से ऐसा वैसा. इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस एंड इज अ वेरी डाउन टू अर्थ गाय, एक नंबर हक से. हाँ बहुत बहुत अमेजिंग. पूछ रहे थे मुझे यहाँ का चाय वाय मारे कि नहीं टपरी में, वाला मारते ना चलो फिर. सही है ब्रो. वेल मैं चाहता हूँ यार यहाँ पर कुछ हमारे लिए सुनाओ आप, क्योंकि बहुत अमेजिंग वाइब है इस गाने का. धारावी से देहरादून, लेडीज एंड जेंटलमैन, वी हैव एमसी बेन. अगाने बजे धारावी से देहरादून, छोटे जरा बातें क्या मैं कह रहा सुन, बड़ी दूर जाने की है योजना मेरी, पहिए ऐसे कैसे मैं ठहरा दू, मुझे नीचे दिखाने की विश ना करो, शांति फैलाओ पर डिस ना करो, सच्चे दोस्ती का पक्का तुम रिश्ता कर लो, जैसे रिक फ्लेयर और बटिस्टा का शो, रहू एक साथ करूं एक बात कभी एक रात, आगे बैठ साथ ना तू कर घात पर, विश्वास कर जैसे किया तूने बाबा के डिश वॉश पर. क्या बोलते मापोन, मुझको पता है मेरी मंजिल, किया मैंने थर दिन देना नहीं धमकी, देखे थे सपने जो हम भी, कमाना है नाम और साथ में धन भी, वतन भी करे नाज मुझ पे, कह दू ये बातें मैं आज तुझसे, दुनिया छोड़ मुझको है नास खुद पे, जैसे ग्रेट कली लंबाई में 7 फुट में. गाने बजे धारावी से देहरादून, छोटे जरा बातें क्या मैं कह रहा सुन, मेरे सारे लफ्ज आज इनकलाब इंतकाम इंतजार बेलगाम, चले धारावी से देहरादून, छोटे जरा बातें क्या हूँ कह रहा सुन, मेरे सारे लफ्ज आज इनकलाब इंतकाम इंतजार बेलगाम, चले. Ladies and gentlemen, MC Ben in the building. Yeah. क्या बात है, क्या बात. बहुत वाइब किया है आपके साथ, बहुत मजा. तो ये क्या मतलब, क्या टेम्पो पे है ये गाना? मेरे ख्याल से 110 120 के आसपास ही है. और 110 120, बाकी तो सेकंड वर्स भी है इसमें अपना, और सार्थक है इसमें. मैं सोचने लगा थोड़ा बीटबॉक्स करने का. अरे रे एक नंबर फायर गाना है ब्रो. हार्ड हार्ड में काम शुरू किया, हिप हॉप के दुनिया में नाम जोड़ लिया, डीला डाला कपड़ा पहन के, बोले लोगों के दिमाग की राम मोड़ दिया, बचता ना बचका ना चलते रे रास्ता, ना लगता है चक्का ना मारता मैं मस्का, ना बोले ना कंगा ना चुपके हुए कांचा, ना बचके दूर है छोटे सर पर पंडाल, ताड़ पे आके सर पे चढ़ के नाच, मानता मैं तो तत्व सारे पांच, दूसरों के घर पे तू पत्थर क्यों फेंकता, तेरे खुद के घर पे लगे पूरे कांच, रहने दे चीजों को एज दे हार, मेहनत से पहुंचा हूं मैं दिस पार, फेक लगे मुझे तेरे सारे स्टार्स, तेरी 32 तोड़े मेरे 32 बार्स. गाने बजे धारावी से देहरादून, छोटे जरा बातें क्या हो कह रहा सुन, मेरे सारे लफ्ज आज इनकलाब इंतकाम इंतजार बेलगाम, चल धारावी से देहरादून, छोटे जरा बातें क्या मैं कह रहा सुन, मेरे सारे लफ्ज आज इनकलाब इंतकाम इंतजार बेलगाम, चले. एमसी बेन जे बेन के साथ बोले. रेड इंडीज शफल शफल, रेड इंडीज शफल शफल चैट.